स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर में 2018 विधानसभा चुनाव के पहले नगर निगम और बिजली विभाग ने आनन फानन में बगैर सर्वे किए ही थौकबंद में संबल योजना की 200 रुपये मासिक बिल वाली सरल बिजली योजना के तहत बिजली कनेक्शन तो दे दिए है, लेकिन अब ये बिजली कनेक्शन बिजली विभाग के गले की फांस बन गया है, क्योंकि इस योजना का उन लोगों ने भी लाभ लिया है जो इस योजना की पात्रता ही नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं, 200 रुपये बिजली बिल होने के बाद भी लोग बिल नहीं भर रहे हैं। वहीं इस योजना में शामिल लोग घरों में बिजली रूम हीटर, गर्म पानी हीटर, विद्युत सिगड़ी, प्रेस का उपयोग भी धूम से कर रहे हैं, जिसको लेकर लाइव मध्य प्रदेश की टीम ने शहर की इलेक्ट्रिक दुकानों का सर्वे भी किया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि विगत 15-20 वर्षों में जितने ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बिके हैं वो मात्र एक माह में बिके हैं, जिस कारण इन उपकरणों का साल्टेज भी हो चुका है। देखिए साहब, मेरी शॉप को लगभग 30-35 साल हो गए, बाकी बिकता तो हर साल था, बाकी जो एवरेज था, लेकिन इस बार ऐसा मतलब है ना, हम जहाँ व्यापारी से माल मंगा रहे हैं वहाँ बिल्कुल माल साफ है एकदम। उनसे पूछो भैया रूम मीटर भेजना नहीं है, याला रॉड वाला भेजना नहीं है, पंखे वाला भेजना नहीं है, मतलब कहीं पर भी आप ऑर्डर लेने जाओ और डिमांड इतनी है कि हर पल ग्राहक आता है, मतलब ये दीजिए, मतलब गर्मी जो साधन है वो पूरे अपर्याप्त है। हाँ, वो भी सिगड़ी बिक रही है, लोग हाथ सेकने के लिए ले जा रहे हैं, मतलब जो साधन मिल रहा है व्यक्ति को वो साधन पूर्ति करने के लिए जो मिल रहा है वो ले जा रहे हैं। बुरहानपुर शहर संभाग में 19,350 उपभोक्ताओं को सरल बिजली बिल का लाभ दिया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि 200 रुपये का बिल होने के पश्चात भी कुछ लोगों द्वारा बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो उनको हम घर घर जाके समझाई दे रहे हैं कि वो अपने बिलों का भुगतान करें जिससे कि वो योजना में बने रहें। ऐसे लोग जिनके घरों में एसी का उपयोग हो रहा था या जिनके वहाँ पर हीटर का उपयोग है, वो लोग इस योजना के पात्र नहीं है, उनकी हम सघन जाँच करेंगे और नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी।